इंडस्ट्री के कलाकारों के बीच देखा जाए तो अभिनेत्री और अभिनेताओं की ज़िंदगी काफ़ी अलग, काफ़ी ज़्यादा ही अलग रही है। मगर आज दोस्तों हम आप सभी के बीच बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की उस अदाकारा के बारे में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्यार तो हासिल नहीं किया लेकिन बदनामी जमकर सही है। काफ़ी ज़्यादा उनकी बदनामी हुई बॉलीवुड इंडस्ट्री में। उन्हें एक समय ऐसे देखा जाता था ऐसी निगाहों से कि सालों उन्हें इस दर्द से उभरने में समय लग गया। चलिए आप तो समझ गए होंगे हम बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, 66 साल की हो चुकी सदाबहार अभिनेत्री रेखा की हो रही है इस खास रिपोर्ट में बात। इस बात की जानकारी हम आप सभी को देना चाहेंगे कि आखिर रेखा को लेकर ये कहा जाता रहा है कि रेखा बॉलीवुड इंडस्ट्री की वो अदाकारा है जिन्होंने वाकई में फिल्म इंडस्ट्री में अपने कला से लोगों को हमेशा दीवाना ही बनाया लेकिन निजी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने दर्द ही झेली। एक बात आपको बताना चाहेंगे, 30 साल पहले हुए मामले को लेकर जब हेमा मालिनी ने रेखा के बचाव में अपनी तरफ से बात की थी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी। जी हाँ, 24 जून की तारीख की वो रात जब फिर से उठा था रेखा को लेकर सवाल। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से कैसे रेखा को लेकर। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे रेखा जो है सबसे ज़्यादा विवादों में सालों बाद बुढ़ापे की उम्र में आई। जी हाँ, बीते साल यही तारीख थी और यही वो वीक था। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद रिया चक्रवर्ती सबके निशाने पर आ गई थी। सबका कहना था कि रिया की वजह से सुशांत हमारे बीच नहीं रहे। सबका कहना था कि रिया ने सुशांत को अंदर से तोड़ा, रिया की वजह से सुशांत को हमने खो दिया है। सब ने ऐसी ऐसी बातें तो की थी लेकिन क्या आपको मालूम है रिया चक्रवर्ती को लेकर लोगों ने तो कई तरह की बातें की लेकिन ये बात शायद आपको मालूम ना हो कि कैसे रिया चक्रवर्ती के नाम के सामने आने के बाद रिया को रेखा से भी तुलना किया गया। जी हाँ, वैम तक कह दिया गया था। वेल, दरअसल ये बात आज इसलिए सामने आई है क्योंकि रेखा का नाम फिर से उछला था और ये मामला सुशांत रिया को लेकर रेखा से जुड़ गया था। दरअसल इसलिए क्योंकि रेखा के साथ उनके पति जब थे और 6 महीने के अंदर उनके पति चले गए थे जिस पर हेमा मालिनी काफ़ी भड़की थी। जी हाँ, रेखा साल 1990 में मुकेश अग्रवाल के साथ शादी के मामले में काफ़ी ज़्यादा खुश नसीब नहीं थी, उल्टा बदनसीब थी। रेखा का नाम अपने पति के साथ काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से लिया जाता रहा। दरअसल ये सब जानते हैं कि रेखा के साथ क्या हुआ। सबसे ज़्यादा अगर कोई जानती है तो वो हेमा मालिनी है। तभी तो रेखा और उनके पति के साथ जो हुए और उनके पति जो गुजर गए थे तो उसमें रेखा को जिम्मेदार ठहराया गया था। उस मामले को 30 साल बाद फिर जब तोड़ दिया गया था बीते साल तो हेमा मालिनी अपनी दोस्त के बचाव में खड़ी हो गई थी। रेखा ने तो कुछ नहीं कहा, रेखा तो चार दीवारें के अंदर बसेरा जुहू स्थित अपने बसेरा बंगले में ही बंद रही। ना तो उन्होंने सोशल मीडिया पर उड़ने वाली इन तरह की बातों का जवाब दिया, ना मीडिया के सामने रुआई, ना कैमरा के सामने आई, अंदर ही अंदर घुटती रही रेखा। और ऐसे में हेमा मालिनी ने रेखा के पक्ष में रखी अपनी बात। 30 साल पहले हुई घटना को लेकर जो बात सामने रखी जा रही है उसे लेकर रेखा को लेकर हेमा मालिनी ने गुस्से में कहा, रेखा का नाम सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के मामले में क्यों घसीटा जा रहा है? बेचारी रेखा वो कहाँ से इस बीच में आ गई? इस बहस में इतनी वरिष्ठ और सम्मानित व्यक्ति को घसीटे जाना और उनकी निजता का हनन करना वाकई बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है। ये कहना था हेमा मालिनी का। जी हाँ, हेमा मालिनी ने कहा आगे कि 30 साल पहले जो हुआ उस पर गैर ज़रूरी विवाद बनाने या इसको बढ़ावा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रेखा अपनी ज़िंदगी बहुत ही निजी तरीके से जी रही है। लोगों को लंबे समय से भूली हुई इस चीज़ को दोबारा क्यों याद दिलाया जा रहा है?
रेखा 4 मार्च को साल 1990 में दिल्ली के रहने वाले बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी के बाद खुश नहीं थी अपनी शादी में, ये कहा जा रहा है। कुछ ही समय बाद उनकी शादीशुदा रिश्ते में दरार आ गई थी और रेखा अपने पति का घर छोड़कर अलग रहने गई थी, एक अपार्टमेंट में रहने लगी थी। कहा जाता है कि झगड़े से परेशान की वजह से रेखा ने तलाक की अर्जी भी दी थी मुकेश अग्रवाल के साथ। रेखा तलाक लेने वाली थी अपने पति से, लेकिन जब रेखा ने तलाक लेने की तरफ अपना कदम बढ़ाया तो फिर उनके पति उनसे काफ़ी नाराज़ हुए और इसी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, हमेशा के लिए खो दी। मुकेश अग्रवाल के गुजर जाने के बाद ही रेखा को ससुराल वालों ने वैम्प तक कह दिया था। अपने आपको बताना चाहेंगे, रेखा को वैम्प कहा गया, डायन कहा गया, काफ़ी कुछ कहा गया। बॉलीवुड कलाकारों ने उसमें हाथ भी खींचे थे ये भी कहा जाता है। तब भी रेखा का साथ देने वाली हेमा मालिनी उनके साथ खड़ी रही थी। जी हाँ, मुकेश अग्रवाल से शादी करने के बाद हेमा मालिनी के ही घर गई थी सीधा रेखा, ये भी कहा जाता है। रेखा के कानों में कहा था तब हेमा मालिनी ने मुकेश को देखकर, अब मुझसे ये मत कहना कि तुमने इस आदमी से शादी कर ली है। ये बात हेमा मालिनी ने रेखा को अपना ख़ास दोस्त बताते हुए एक इंटरव्यू में कहा था। इंडस्ट्री में उनकी एक ही ख़ास दोस्त है और वो रेखा है। रेखा और हेमा के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन को मिलवाने के लिए हेमा मालिनी ने भी कई कोशिशें की थी, ये भी कहा जाता है, क्योंकि एक समय था जब रेखा और अमिताभ के बीच बेहद ज़्यादा प्यार हुआ करता था। लेकिन रेखा और हेमा के साथ अगर मुकेश अग्रवाल की बात की जाए तो वाकई में तीनों को साथ नहीं देखा जाता था, क्योंकि रेखा मुकेश अग्रवाल से शादी करे कभी भी नहीं चाहती थी हेमा मालिनी। लेकिन इसके बावजूद हेमा मालिनी ने ऐसा देखने के बाद भी रेखा का सपोर्ट किया। अमिताभ बच्चन हो या फिर विनोद कुमार, सबके साथ रेखा के नाम जुड़ते रहे, लेकिन रेखा ने कभी भी इसके बावजूद लोगों के बीच आकर अपना गुस्सा नहीं निकाला। हर बात में रेखा नज़रअंदाज करती रही क्रिटिसिज्म को। रेखा ने अपनी ज़िंदगी में जो तकलीफ झेली है उस बारे में वो बहुत कम ही बातें करती हैं, लेकिन उनकी दोस्त होने के नाते हेमा मालिनी ने अपने दोस्त का सपोर्ट करने का कोई भी कदम पीछे कभी नहीं किया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।